प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। पिछले 10 सालों के दौरान भारत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में अनेक सुधारों का गवाह रहा है, जिसमें शामिल है संस्थागत प्रसवों एवं टीकाकरण के कवरेज में वृद्धि, मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार, मातृ और बाल मृत्यु में कमी। एक ANM के रूप में इन सुधारों में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे देश के कई हिस्सों में शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दरें बहुत ऊंची हैं। साथ ही हम पर संक्रामक अथवा संचारी रोगों के कारण भी रोग और मृत्युओं का बड़ा भार बना हुआ है। इसके अलावा अब हम पर गैर संचारी यानी नॉन कम्युनिकेबल रोगों का बढ़ता हुआ भार बना हुआ है। तो आज जानेंगे आशा वर्कर और एडल्ट्स के बीच का तालमेल क्या है। गैर संचारी रोग, जिन्हें लंबे समय तक चलने वाले रोग भी कहा जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते। बीमारी होने में लंबा समय लगता है और शुरू में उसके लक्षण दिखाई नहीं देते। भारत में होने वाली सभी मृत्यु में 60% मृत्यु गैर संचारी रोगों के कारण ही होती है। इन मृत्युओं के 4 प्रमुख कारण हैं: हृदय रोग, लकवा तथा उच्च रक्तचाप जो कि 45% है, चिरकालिक श्वसन रोग जो कि 22% है, कैंसर ये 12% है, मधुमेह 3%। ज्यादातर गैर संचारी रोग अस्वास्थ्यकर जीवन शैलियों और प्रतिकूल भौतिक और सामाजिक वातावरण के कारण पैदा होते हैं। जाने पहचाने जोखिम कारकों में आगे बताए गए कारक शामिल हैं: गरीबी, वसा, नमक तथा शर्करा की बहुलता वाला अस्वास्थ्यकर आहार, शरीर निष्क्रियता, तंबाकू का सेवन, शराब का ज्यादा सेवन तथा तनाव। सरकार मधुमेह, कार्डियो वेस्कुलर रोग तथा लकवे पर काबू पाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रही है। ये कार्यक्रम अब NHM के जरिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आने वाले सभी व्यक्तियों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा चुनिंदा कैंसरों के लिए जाँच करना है। ये अवसरवादी प्रारंभिक जाँच कहलाती है। आप जानते ही हैं कि लगभग 1000 की जनसंख्या के पीछे एक आशा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां पुरवा यानी हेलमेट आधारित बस्तियां हैं, वहां लगभग 300 से 500 व्यक्तियों के लिए एक आशा रहती है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 2500 व्यक्तियों के लिए एक आशा होती है। कुछ राज्यों में प्रत्येक 10 अथवा 20 आशाओं के पीछे एक आशा सहयोगी होती है, जो उनके काम का मार्गदर्शन करती है और सहयोग प्रदान करती है। आशा के कार्य: जनगणना, जिस आबादी की प्रारंभिक जांच की जानी है उसका आकलन करना, नियमित पारिवारिक दौरों में 30 तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की गणना करना, पारिवारिक कार्ड भरन, समुदाय स्तर पर CBSE आकलन, 30 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच सूची भरना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना, कमर के घेरे की माप लेना, जोखिम का जायजा लेना और जांच के लिए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें तैयार करना, आबादी में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिनके संबंध में कोई जोखिम कारक है, ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में कोई जोखिम कारक नहीं है तथा NCD से पीड़ित ज्ञात मामले, समुदाय को गतिशील बनाना, VHND, UHND, MAS के दौरान नियमित तथा उनके जोखिम कारकों पर सत्र चलाना, जानकारी देना, घर के दौरों के समय NCD, स्वस्थ जीवन शैली तथा इलाज के पालन के संबंध में जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य प्रोत्साहन सामग्री वितरण करना। जब एक बार ये पता चल जाए कि व्यक्ति उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह से ग्रस्त है, तो उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह का इलाज PHC के चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुरू किया जा सकता है। कभी कभी निदान, डायग्नोसिस की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करने के लिए CHC जाना जरूरी हो सकता है। प्रत्येक रोगी के लिए इलाज की एक योजना होगी, जिसमें केवल दवाइयां ही नहीं होंगी बल्कि जीवन शैली संबंधी बदलाव की सलाह भी दी जाएगी। रोगी को सबसे ज्यादा निकट के PHC के चिकित्सा अधिकारी से कम 1 महीने की दवाइयाँ प्राप्त होनी चाहिए। नियमित इलाज सुनिश्चित करने, आहार तथा जीवन शैली में सुधार का पता लगाने तथा रक्तचाप, रक्त शर्करा मापने के लिए आशा प्रतिमाह योगियों से संपर्क करेंगी, ताकि इस बात का जायजा लिया जा सके कि
क्या रोगी को इलाज से फायदा हो रहा है। हालांकि आप ऐसा सोच सकते हैं कि व्यक्तियों की वास्तविक प्रारंभिक जांच और जांच पर काफी बल दिया जा रहा है, फिर भी ये ध्यान में रखना होगा कि स्वास्थ्य प्रोत्साहन NCD कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा तथा समुदाय स्तर के संगठनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य प्रोत्साहन कार्यों को हाथ में लेना आपकी जिम्मेदारी है। आपको और आशा को इस संबंध में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि समुदाय में इस तरह की अफवाह न फैलाएं।